अभी नेक्स्ट बताने वाला हूँ लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट ये सारे कंसेप्ट बहुत ध्यान से समझना। जैसे सपोज मैं एक सर्कल बना देता हूँ, डॉटेड सर्कल बनाता हूँ तो जल्दी बन जाएगा। ये बना दिया एक सर्कल, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ ये पॉइंट है हमारे पास P, और इस पॉइंट P से मैंने इसके ऊपर बनाया एक टेंजेंट, ये टेंजेंट बना दिया से PT। या हम ऐसा बोल सकते हैं कि PA इधर बन रहा है, और वैसे तो हम जनरली कितने टेंजेंट बनाते हैं, दो टेंजेंट बनाते हैं, तो दूसरा टेंजेंट यहाँ बनना चाहिए दैट इज PB। और हमें पता है कि PA और PB कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये भी मुझे क्लियरली पता है कि PA और PB इक्वल होगा, लेकिन PA और PB का वैल्यू क्या आएगा वो मैं बता देता हूँ। PA और PB का वैल्यू आता है रूट ओवर S1। S1 याद है ना, अगर मैं बोल रहा हूँ कि सर्कल है, सपोज मैं सर्कल का इक्वेशन दे देता हूँ तुम्हें, सर्कल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। जनरल इक्वेशन दे दी, तो एक्सप्रेशन एस क्या बन गया, यही बन गया पूरा। और ये पॉइंट पी मैंने बोल दिया है कि सपोज एक्स वन कॉमा वाई वन है, तो पॉइंट पी आ गया अपने पास एक्स वन कॉमा वाई वन, तो एस वन का एक्सप्रेशन क्या होता था, एक्स वन वाई वन को सब्सटीट्यूट कर दो, मतलब एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर प्लस ट्वाइस जी एक्स वन प्लस ट्वाइस एफ वाई वन प्लस सी, ये आ जाता था हमारे पास एस वन। और अगर हम रूट ओवर एस वन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट। कैसे मिल रहा है हमें ये लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये समझना है पहले कि लेंथ ऑफ टेंजेंट हमें ये कैसे मिल रहा है। तो ये आ गया सर्कल का सेंटर, सपोज यहाँ पे मैंने दिखा दिया सी, यहां सी से मैंने क्या किया परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, तो ये सी ए का लेंथ जो है ये क्या आ जाएगा आर। मैंने सी पी को ज्वाइन कर दिया, और यहां पे मैं यूज कर रहा हूं पाइथागोरस थ्योरम, तो मैं बोलूंगा कि सी पी स्क्वायर इक्वल टू सी ए स्क्वायर प्लस पी ए स्क्वायर, और पी ए मुझे चाहिए है ना, तो पी ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी ए स्क्वायर विल बी सी पी स्क्वायर माइनस सी ए स्क्वायर यानी आर स्क्वायर। तो तुम लोगों को शायद याद हो गया, हम लोगों ने पहले पावर ऑफ द पॉइंट निकालने में यही काम किया था, पावर ऑफ द पॉइंट निकाला था ना एस वन का वैल्यू, वन पॉइंट लाइंग आउटसाइड द सर्कल इनसाइड द सर्कल, यही सब चीजें तो की थी, इसी का वैल्यू तो एस वन आया था। जब ये माइनस जी कॉमा माइनस एफ एक्स वन कॉमा वाई वन किया था और सब कुछ यूज किया था, तो यहां से आ जाता है ये रूट ओवर एस वन। तो जब भी हमें लेंथ ऑफ टेंजेंट चाहिए होगा तो हम क्या करेंगे, हम रूट ओवर एस वन कर लेंगे, ठीक है। अच्छा अब ये देखो, ये जो दो पॉइंट दिख रहा है, एक पॉइंट दिख रहा है ए और एक पॉइंट दिख रहा है बी, ये दोनों पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है। पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट को जो लाइन ज्वाइन करता है, ये जो लाइन दिख रहा है यहां से जाता हुआ लाइन ए बी, लाइन ए बी इज, ये डोर बंद कर दो जरा उत्कर्ष, डोर बंद कर दो। लाइन ए बी को हम बोलते हैं, लाइन ए बी इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, पॉइंट्स ए और बी को ज्वाइन कर रहा है, मतलब पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट को ज्वाइन कर रहा है, उसको हम बोलते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है। अच्छा अब यहां पे कुछ अच्छे अच्छे स्टैंडर्ड्स बनते हैं, क्या बनते हैं, अगर मैं थोड़ी देर के लिए लेंथ ऑफ टेंजेंट को एल ले लू, ठीक है, सर्कल के रेडियस को मैं ले लेता हूं आर, वैल्यू पता है हमें आर का वैल्यू क्या आने वाला है, तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड बनने वाले हैं उसमें पहला, अगर मैं ये एंगल थीटा ले रहा हूं, ये एंगल थीटा ले रहा हूं, तो हमें पता है कि एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स क्या हो जाना चाहिए, टू थीटा। अगर मुझे एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स चाहिए होगा, एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स,
तो हम उसको निकालेंगे साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 आर एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ऐसा करके कैसे आएगा ये मुझे बता सकते हो? कैसे आएगा बता सकते हो? अगर मैं ट्रायंगल पीएसी, ट्रायंगल पीएसी की बात करूं तो टैन थीटा क्या आने वाला है? एल, ये आर रेडियस, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट एल, तो टैन थीटा क्या आ गया? आर अपॉन एल। और साइन टू थीटा का फॉर्मूला तुम्हें पता होगा, साइन टू थीटा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ टैन, टू टैन थीटा अपॉन वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं यहां पे आर बाय एल सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मुझे ये वाला फॉर्मूला मिल जाएगा या नहीं? सब्स्टिट्यूट कर लो तुम्हें अपने आप ये फॉर्मूला मिल जाएगा। अच्छा, दूसरा स्टैंडर्ड जो बनता है जिसपे क्वेश्चन बनता है वो होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल पीएबी। इसको बोलते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल मेड बाय द टेंजेंट्स एंड कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। तो दूसरा जो केस हमारे पास आ रहा है दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए बी, दैट मीन्स एरिया मेड बाय द टेंजेंट्स एंड कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आर एल क्यूब अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। किसी भी ट्राइंगल, जैसे कोई ये ट्राइंगल मैंने बना दिया, सपोज ये एक ट्राइंगल एबीसी और मुझे इसका ए का अपोजिट साइड है सपोज ए, बी का अपोजिट साइड है बी, सी का अपोजिट साइड है सी और मुझे इसका एरिया चाहिए, तो हम क्या बोल देते हैं? वन बाई टू एनी टू साइड्स, दैट मीन्स बी और ए बोल सकते हो, एंड द साइन ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू साइड्स, बी ए साइन सी या ए बी साइन सी या बी सी साइन ए, ऐसा बोला जा सकता है। ये कैसे बोल सकते हैं? बहुत सिंपल होता है कि यहां से तुमने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ये आ गया, परपेंडिकुलर का लेंथ निकालना होगा तो क्या हो जाएगा? बी साइन सी, बी साइन सी, बेस क्या है? ए, तो हाफ बेस इनटू हाइट करोगे। तो वही सेम चीज तो हम यहां भी करने वाले हैं। देखो ये है हमारे पास एल, ये है हमारे पास एल, हमें ट्राइंगल पी ए बी का एरिया निकालना है, तो ट्राइंगल पी ए बी का एरिया कैसे आ जाएगा? वन बाई टू एनी टू साइड्स, मैंने बोला पी ए एंड पी बी, दैट इज एल स्क्वायर इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन दम, दैट इज साइन टू थीटा, और साइन टू थीटा ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, तो हो गया ना। इसके बाद आता है फोर्थ पॉइंट, थर्ड पॉइंट आता है लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या था? एबी, एबी का लेंथ निकालना है, एबी का लेंथ आएगा टू आर एल अपॉन रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट में वही डायग्राम में दिखा रहा हूं, ये वाला डायग्राम में एबी का लेंथ निकालना है। कैसे निकालें एबी का लेंथ बताओ जरा? एबी का लेंथ अगर हमें निकालना होगा तो क्या करें? ये मैं पॉइंट मिड पॉइंट इसका कुछ डी अज्यूम कर लेता हूं, यहां पे टैन थीटा का एक वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता है, यहां से एक ट्राइंगल से सीएपी से हमारे पास टैन थीटा का वैल्यू था। अब मैं उसी टैन थीटा के वैल्यू को यूज कर रहा हूं ट्राइंगल ए डी पी में। अगर मैं यूज करूंगा ए डी पी में तो मैं बोलूंगा टैन या साइन थीटा भी बोल सकते हैं, साइन थीटा यूज करते हैं, साइन थीटा ज्यादा अच्छा रहेगा। साइन थीटा विल बी व्हाट? ए डी अपॉन एपी। एपी क्या है? एल। तो ए डी क्या आ जाएगा? ए डी विल बी एल साइन थीटा। और इसमें अगर हम लोग साइन थीटा निकालेंगे ये वाले ट्राइंगल में, साइन थीटा ये वाले ट्राइंगल सीएपी में साइन थीटा निकालोगे तो क्या आ जाएगा? आर अपॉन रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर।
तो इधर आ रहा होगा r अपॉन रूट ओवर r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। अगर ये साइन थीटा का वैल्यू हम यहाँ पे रख दें तो ad का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, r l अपॉन रूट ओवर r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। और अगर हम ab का वैल्यू निकालेंगे तो इट विल बी ट्वाइस ad। क्लियर है यहां तक? इसके बाद मैं बोलता हूं एक पॉइंट, समझना, फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक और पॉइंट बोल रहा हूं, फोर्थ पॉइंट वो क्या है, सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल पीएबी, सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल पीएबी passes through C and CP is the diameter of this circle and CP is the diameter of this circle। देख लेते हैं जरा डायग्राम भी चलता है, वही डायग्राम है हमारे पास। देखो PAB ट्राइंगल दिख रहा है, मैं बोल रहा हूं पी ए सी बी एक ही सर्कल पे लाई करेंगे, कौन साइक्लिक पॉइंट्स होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये 90 डिग्री है, और अगर मैं सी और बी को भी ज्वाइन कर देता हूं तो ये वाला एंगल भी कैसे हो जाएगा 90 डिग्री, तो ये अपोजिट एंगल कैसे हो गया 180 डिग्री। तो जब 180 डिग्री हो जाते हैं तो क्वाड्रिलेटरल कैसा हो जाता है, साइक्लिक। तो पी ए बी से जो पास कर रहा होगा श्योरली सी से भी पास करेगा, और मैंने बोला कि सीपी डायमीटर होगा, सीपी क्यों डायमीटर होगा, क्योंकि 90 डिग्री बन रहा है, सेमी सर्कल में तो 90 डिग्री बनता है, तो श्योरली सीपी कैसा हो जाना चाहिए, डायमीटर होना चाहिए। समझ में आ रही ना बात? अगर सेंटर निकालने के लिए वो तुमसे बोलेगा तो तुम क्या बोलोगे, कि हम लोग सी और पी का मिड पॉइंट निकाल देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सेंटर, और सीपी क्या हो जाएगा, डायमीटर। समझ में आता है? ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं, ट्रिकी क्वेश्चन जी भाई, तो ये तुम्हें समझ में आना चाहिए और याद भी रहना चाहिए, ठीक है, कि लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल पीएबी क्या है, एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स क्या है, पीएबी जो है इसका जो सर्कम सर्कल होगा दैट आल्सो पासेस थ्रू द पॉइंट सी, सीपी इज द डायमीटर। क्लियर ना?